Presents दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात दस्तक में आज इस बात की जाए कि क्या आने वाले वक्त में नोटबंदी पर हर कोई अपने अपने राजनीतिक भविष्य को आंकना चाहता है। कांग्रेस कहती है अकेले लड़ेंगे, बीजेपी को लगता है जमीन पर उसकी पकड़ मजबूत है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से सोचती है, ममता बनर्जी कुछ अलग अंदाज में ताल ठोक रही है और केजरीवाल भी कुछ नए अंदाज में पंजाब में है। लेकिन देश की मुश्किल है क्या? मुश्किल नोटबंदी नहीं है। दस्तक में बात आज होगी लूटबंदी की। लूटबंदी इसलिए क्योंकि नोटबंदी कर लीजिए या जो भी का कहरा पढ़ा दीजिए, देश के भीतर का, इस देश के भीतर का सच है क्या, आज दस्तक में परत दर परत खोलने की एक कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, आंकड़े गिनते हुए थकिएगा मत। 15 परिवारों का 8 लाख करोड़ रुपया बाकी है। आपने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी दी, ले विजय माल्या जी, नरेंद्र मोदी जी आपका कर्जा माफ करते हैं, ले 1200 करोड़ रुपए। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। अरे गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए सेवार नेता महोदय, आपका अकेला 2G घोटाला, आपका अकेला 2G घोटाला, उसके जो अंक होते हैं ना, 1,74,000 करोड़। 7 रेस कोर्स रोड पर से 1 लिख करके शुरू कीजिए और लिखते लिखते आगे बढ़िए, आखिरी 0-10 जतपन जाकर के पहुंचेगा। सत्ता में आने से पहले राजनीतिक लूट का जिक्र मोदी करते थे और सत्ता जाने के बाद सियासत की आर्थिक लूट का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आइए जरा देश के सच को ही परख लें कि आखिर लूट कहते किसे हैं और आजादी के बाद से कॉमनवेल्थ घोटाले तक नेताओं ने ही देश को कैसे लूटा, कितना लूटा। चौंकिए मत, ये रकम 9,10,06,323,43,00,000 रुपए की है। अगर डॉलर में समझें तो 21 मिलियन डॉलर। यानी घोटाले दर घोटाले 1947 में आजादी के बाद से देश की राजनीतिक सत्ता के जरिए हुए या फिर सत्ता की भागीदारी से हुए। और घोटालों की इस फेरिस्त में चूंकि आखिरी घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र है, यानी 2010 तक के ही ये आंकड़े हैं, तो उसके बाद के दर्जनों घोटालों में से 2 घोटालों का जिक्र करना तो यहाँ जरूरी है। पहला कोयला घोटाला जो 1,86,000 करोड़ का, और दूसरा 2G घोटाला जो 1,76,000 करोड़ का। यानी देश में लूट का सिलसिला थमेगा कैसे कोई नहीं जानता। हर सत्ता के आते ही करप्शन, लूट का जिक्र ही सियासी विसात पर वजीर का काम करने लगता है। और हमेशा जिक्र गरीब हिंदुस्तान को चंद हथेलियों के आसरे लूट का ही होता है, जिसमें सत्ता की भागीदारी खुलकर बताई भी जाती है। काला धन हिंदुस्तान के किसान के जेब में नहीं है, हिंदुस्तान के मजदूर के पास नहीं है, काला धन इन 50 परिवारों के पास है, 1% सुपर रिच लोगों के पास है। तो क्या गरीब हिंदुस्तान के नाम पर ही करप्शन होता है और करप्शन से लड़ने के ख्वाब देश के हर वोटर में भरे जाते हैं, जिससे सत्ता पलटे तो लूट का मौका उसके हाथ में आ जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब देश में इस सच का जिक्र सियासत करती है कि 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, तो खामोशी इस बात पर क्यों बरती जाती है कि स्विस बैंक में 1,500 बिलियन डॉलर भारत के रईसों के ही जमा है और ये रकम ब्लैक मनी है जिसे भारत के गरीबों से छुपाई गई। विकिलीक्स की रिपोर्ट की माने तो नेता, बड़े उद्योगपति और नौकरशाहों की तिकड़ी ही ब्लैक मनी दुनिया के बैंकों में जमा कराती है। इसके अलावा सिनेमा के धंधे से लेकर सेक्स ट्रेड वर्कर और खेल के धंधेबाजों से लेकर हथियारों के कमीशन खोरों के काले धन दुनिया के अलग अलग बैंकों में जिक्र होने की बात लगातार होती है। कितने काले धन वालों को जेल में डाला नरेंद्र मोदी ने, एक नाम बता दो मुझे। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, इन चोरों के नाम आपने लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं रखे? तो क्या देश की लूट की रकम ही दुनिया के बैंकों में इतनी ज्यादा है कि दुनिया के बैंकों में जमा चीन, रूस, ब्रिटेन की ब्लैक मनी को मिला भी दिया जाए तो भारत की ब्लैक मनी कहीं ज्यादा बैठती है? और शायद इसीलिए पीएम बनने से पहले स्विस बैंक का जिक्र
मोदी अक्सर किया करते थे। काला धन कहां रखते हैं? हिंदुस्तान के बच्चे बच्चों को पता है कि भारत को लूटने वाले ये चोर लुटेरे काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं। तो जिक्र किसी का भी हो, लेकिन लूट के सिलसिले को देखकर देश में बार बार कहा यही जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा आजादी की खुशबू तले सत्ताधारियों ने देश को लूट लिया। और शायद इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में इतना कमजोर है कि हिंदुस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गरीबी के साथ जुड़ती है। तो आइए उसे भी परख लें। यकीनन गजब का लोकतंत्र है। कोई डकैती शब्द करता है, कोई लूट, कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई उचक्का, जिसे जो चाहे उस रूप में इस्तेमाल करे, और आने वक्त में इन्हीं के हाथ में देश की सत्ता भी हो जाती है। लेकिन देश की सत्ता क्या वाकई देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बनने देते हुए उसके बजट के पैसे को भी लूट कर ले जाती है? जरा देखिए, सच समझ जाइएगा। ये लूट का ही असर है कि आजादी के 70 बरस बाद भी 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। देश में 6 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सिंचाई सिर्फ 23% खेती की जमीन तक ही पहुंच पाई है। उच्च शिक्षा महज 4.5% छात्रों को ही नसीब हो पाती है, और हेल्थ सर्विस यानी अस्पताल महज 12% तक ही पहुंचा है। तो हर जहन में ये सवाल उठ सकता है कि एक तरफ लूट की इकोनॉमी में भारत अव्वल नंबर पर है, और दूसरी तरफ गरीबी भुखमरी में भी भारत अव्वल नंबर पर ही है। तो क्या देश के बजट में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से अभी तक खर्च होना चाहिए, वो हुआ ही नहीं? और अगर नहीं हुआ तो क्या बजट तक का पैसा लूट लिया गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1950 से 67 तक जीडीपी का 4.4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। 1967 से 84 तक जीडीपी का 4.1% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ। 1984 से 1991 तक जीडीपी का 5.9% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, और 1991 से 2010 तक जीडीपी का 4.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ। यानी सिलसिलेवार तरीके से समझे तो जितने करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इस देश में नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक हुए, उसमें तो देश में हर चीज मौजूद हो जानी चाहिए। बावजूद इसके 1947-48 वाले नेहरू के पहले 171 करोड़ के बजट में भी खाना, पानी, घर की जरूरत का जिक्र था, और 2016-17 के मोदी के बजट में भी गरीबों की न्यूनतम जरूरतों पर ही समूचा बजट केंद्रित कर बताने की कोशिश हुई कि सरकार को फिक्र देश के गरीबों की है। तो क्या देश में जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर होना चाहिए था, हुआ ही नहीं? या फिर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दिया गया, पैसा बांटा गया, उन सब की लूट नेता उद्योगपति नौकरशाही की तिकड़ी करती चली गई? यानी सिस्टम ही लूट का कुछ इस तरीके से बना दिया गया कि लूट ही सिस्टम हो गया। यानी लूट होती क्या है? या बीपीएल के मनरेगा और मिड डे मील की लूट के जरिए मौजूदा वक्त में समझा जा सकता है? या फिर प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा के जरिए देश के शिक्षा बजट से 200 गुना से ज्यादा की कमाई कैसे कोई कर लेता है, यह भी जाना जा सकता है? या फिर हर बरस खेती या सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट 1947 से अब तक दिया जाता रहा, अगर उतनी रकम किसानों में ही बांट दी जाती तो देश की खेती की समूची जमीन पर ही सिंचाई हो जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव दर गांव काम कर रहा होता। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ है तो इसके मतलब है क्या? ये लूट होती क्या है? क्या दोबारा इसे देखा जाए? यकीनन इतनी बड़ी रकम है, और उन सब के बीच जब जिक्र ये कर रहे हैं कि लूटबंदी कब, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दरअसल हिंदुस्तान के भीतर लूटबंदी भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम के दायरे में जो खड़ा हो गया उसकी आय बढ़ती चली जाती है। यह सिस्टम है, क्यों जिक्र कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। 1.5 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाली भारत की यह टॉप मोस्ट 5 कंपनियां हैं। जाहिर इन कंपनियों के टर्नओवर देखते वक्त कोई भी सोच सकता है इनकी सालाना आय करोड़ों में तो होगी, ज्यादा भी हो सकती है। और इसी अक्स में जब नेताओं की संपत्ति के बढ़ने की रफ्तार कोई देखे तो कह सकता है भारत तो बेहद रईस देश है। क्योंकि भारत जैसे गरीब देश में मायावती के पास 2003 में महज 1 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2013 में बढ़कर 111 करोड़ हो गई। तो वित्त मंत्री की संपत्ति की रफ्तार 3 बरस में 80 करोड़ रुपए बढ़ गई, और अमर सिंह की संपत्ति भी 2 बरस में 37 करोड़ बढ़ गई। तो क्या भारत वाकई इतना रईस देश हो चुका है कि एक तरफ सरकार दावा करे कि प्रति व्यक्ति आय
जल्द ही 1 लाख रुपए कर देंगे और मौजूदा वक्त में बीते एक बरस में देश में प्रति व्यक्ति आय की रफ्तार में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी भी हो गई। और इसी दौर में बीपीएल परिवारों की लकीर प्रतिदिन 27 रुपए और 35 रुपए की बहस में ही अटकी रही। यानी जब देश में एक तरफ 40 करोड़ लोग सालाना 10,000 रुपए से कम पाते हो और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय सालाना 93,293 रुपए आती हो, तो समझ लेना चाहिए देश में असमानता की खाई है कितनी चौड़ी। और जब देश में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवाद का सपना नोटबंदी के जरिए ही जगा दिया। सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। तो इस सोच के तहत क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर व्यक्ति को एक बराबर एक वोट मान लिया जाना चाहिए, यही राग होना चाहिए? यानी एक तरफ देश का बजट, देश की नीतियां ही जब पूंजी से पूंजी बनाने के खेल में जा फंसी हो और सत्ता हर किसी के एक बराबर वोट के नाम पर मिलती हो, तो क्या नीतियों से लेकर व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत अब नहीं आ गई है? क्योंकि खुद राहुल गांधी क्या कहते हैं, 94% काला धन 1% लोगों के पास है, 50 परिवारों के पास है। पता नहीं क्यों निशाना किसान पर है, मजदूर पर है, मिडिल क्लास पर है, मगर 50 परिवारों पे नहीं। जी ठीक ही कहते हैं, क्योंकि साल 2000 में देश में 1% अमीर लोगों के पास देश के सिर्फ 36.5% संपत्ति थी, जो अब 53% हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि इस असमानता को दूर करने के लिए किसी ने सोची क्यों नहीं और कोई सोचता क्यों नहीं? और देश में जब हर बरस होने वाले चुनाव के जरिए ही अपनी नीतियों की हार जीत सत्ता विपक्ष आंकता है, खंगालता है, तो फिर वोट की ताकत भी गरीबों को ज्यादा क्यों नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि असमानता की ये खाई बार बार कई चेहरों को जब सामने लाती है तो जाहिर है देश की त्रासदी उभरती है। मसलन कंधे पर ढोता एक आदिवासी अपनी ही पत्नी का शव, कंधे पर इलाज न मिलने पर दम तोड़ता बेटा, और नोटबंदी के दौर में कतारों में खड़े खड़े मौत आ जाना, और इन सबके बीच सत्ता का उफ तक ना कहना। जी ये संकट काल की दस्तक तो नहीं? ये संकट काल इसलिए भी है क्योंकि नेता कभी गालिब का जिक्र करते हैं, कभी सिल्वर स्क्रीन के गीत का जिक्र करते हैं। छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, तब बताएंगे कि दुनिया की नजर भारत पर है कैसी। अमिताभ बच्चन जी की, यकीनन ये देश की त्रासदी है, लेकिन देश संकट काल के मुहाने पर खड़ा है क्या? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत में पैसा लगाएगा कौन, भारत को बाजार समझेगा कौन? क्योंकि इस वक्त भारत जो गुहार लगा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रेटिंग तय करने वाली एजेंसीज भारत को कह रही है चेत जाइए, नहीं तो मुश्किल होगी। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मोदी सरकार के रेटिंग अपग्रेड करने की तमाम गुजारिशों को ये कहकर ठुकरा दिया कि भारत में कर्ज की स्थिति उतनी खुशनुमा है नहीं जितनी सरकार दावा कर रही है, और इसके अलावा बैंकों पर पूरे कर्ज के हालात भी चिंताजनक है। तो क्या नोटबंदी के बाद इकोनॉमी के तौर पर भारत के सामने ये नई मुश्किल है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां ही अगर भारत की रेटिंग कम आंक रही है तो फिर विदेशी निवेशक ये मानकर चलेंगे कि इकोनॉमी सही पटरी पर है नहीं। महत्वपूर्ण है कि सितंबर में ही मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग BAA3 कर दी थी। BAA3 का मतलब है सबसे निचले पायदान से सिर्फ एक कम दर्जे की रेटिंग, और रेटिंग अपग्रेड कराने के लिए सरकार ने खासी मशक्कत भी की। लेकिन मूडीज का इनकार सिर्फ एक रेटिंग एजेंसी का इनकार नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी की साख को भी झटका है। वो इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय ने मूडीज को बकायदा खत लिखकर कहा वह रेटिंग को दुरुस्त करे, और इस खत में कहा गया कि हाल के वर्षों में भारत के कर्ज में आई तेज गिरावट, आर्थिक विकास के स्तर और वित्तीय मजबूती के सवालों को मूडीज नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन चौंकाने वाला जवाब तो मूडीज का था। मूडीज ने कहा कि भारत में कर्ज की स्थिति उतनी खुशनुमा नहीं जितना सरकार दावा करती है, और इसमें दो राय नहीं कि भारत का राजस्व GDP का 21% है, जो मूडीज के BAA रेटिंग पाने वाले देशों के 27.1% राजस्व के आंकड़े से खासा कम है। मूडीज का कहना है कि GDP की तुलना में कर्ज का अनुपात घटा जरूर है, लेकिन अभी भी कुल राजस्व का 20% कर्ज ब्याज चुकाने में ही चला जाता है।
यानी भारत के लिए संकट गहरा इसलिए क्योंकि दुनिया की तीन सबसे बड़ी और विश्वसनीय रेटिंग एजेंसियों के निशाने पर भारत है और दुनिया के रेटिंग कारोबार के तकरीबन 50% पर इन तीन कंपनियों का ही कब्जा है और ये रेटिंग एजेंसियां दुनिया के तमाम देशों की वित्तीय हालात और साख का आकलन कर रेटिंग देती है जिससे उधार देने वाले देश या निवेश करने वाले निवेशकों को अपनी रणनीति बनाने में मदद मिल सके। और पूरे विश्व को भी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से भारत नई आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है, आप आइए भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाइए। तो ऐसे में जब तीनों रेटिंग एजेंसियां प्रधानमंत्री मोदी के तमाम दावों और वादों पर एतबार नहीं कर रही, क्योंकि इससे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अगले दो बरस तक भारत की रेटिंग बढ़ाने से इनकार कर दिया। फिच ने साल 2017 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% से घटाकर 6.9% कर दिया और मूडीज ने तो भारत की तमाम गुजारिशों को दरकिनार कर भारत की रेटिंग अपग्रेड करने से ही इनकार कर दिया। तो सवाल यही है, क्या भारत को विदेशी निवेश का झटका लगना तय है या फिर नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ बरकरार रखने के लिए वाकई मोदी सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है? क्योंकि याद कीजिए, जब स्टैंडर्ड और पुअर्स ने रेटिंग कम की थी तो उस वक्त वित्त मंत्रालय ये कहने से नहीं चूका था कि रेटिंग एजेंसियां खुद आत्मविश्लेषण करें और उनकी रेटिंग से कोई फर्क भारत पर नहीं पड़ता। तो अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर मूडीज से आग्रह किया क्यों गया, यह भी सवाल है। जाहिर है इन सवालों पर गौर सरकार करे, लेकिन सवाल यह भी है, जब हम दस्तक देते हैं तो उसका कुछ असर भी होता है। हमने खबर दिखलाई थी टी गार्डन में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति क्या है, पत्तियां खा रहे हैं और चाय के फूल खाकर जी रहे हैं। उस रिपोर्ट का असर हुआ, क्या असर हुआ यह देखिए। सिर्फ चावल खाता था, सब्जी खाने टाका पैसा नहीं बारी खाई। सिर्फ चाय फूल से क्या पेट भरता है? नहीं भरने से भी क्या करेंगे, सही तो दिन करना ही पड़ेगा ना हम लोग। तो नोटबंदी से परेशान जिन चाय बागान मजदूरों के सामने पत्ती और फूल खाने की नौबत आन पड़ी और आज तक ने जब उसकी रिपोर्ट दिखाई और इसी दस्तक में हमने दिखाया कि किस तरीके से मजदूर वहां पर जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर शायद प्रशासन का दर्द भी झलका और बैंक का भी दर्द झलका। नतीजतन चाय बागान मजदूरों को बकाया रकम मिलने की कई जगह शुरुआत हो गई। हम लोगों तो पहले तो बगान अच्छा था इसलिए नहीं खाते थे, अभी तो बगान का पैसा वैसा नहीं चल रहा है, हम लोग वेतन भी नहीं मिल रहा है, क्या करें, खरीद कर सब्जी उब्जी खरीद कर खाने नहीं सकते हैं, इसीलिए अभी बचा लो चाकू सबको लाते हैं उसी को पका करके हम लोग खा जाते हैं, क्या करेंगे। पहले तो नहीं था, उसके बाद में से ही अभी न्यूज में भेजे उस समय से अभी बात हो रहा है कि अभी अकाउंट सब खुल रहा है। बैंकों ने भी चाय बगान मजदूरों का दर्द समझते हुए एक अलग पहल की, मजदूरों के तेजी से अकाउंट खोले जा रहे हैं। अधिकारी मजदूरों को बैंक ना बुलाकर सीधे चाय बागान पहुंचकर मदद भी कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का आसपास जितना टी गार्डन है, हम जाके वहाँ इंडिविजुअल अकाउंट खोले, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोले, आज तक 8000 अकाउंट हम खोल चुके हैं। अलीपुर द्वार में हालात सुधरे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम के कई चाय बागान मजदूरों को अभी भी बकाए रकम का इंतजार है। तो क्या अब चाय बागान मालिक और बैंक उनकी तरफ भी देखेंगे? प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, अलीपुर द्वार, आज तक।